स्वागत है आपका इस शो में। बताइए कौन से स्टॉक पे आपका सवाल है। सर मेरा लेटेंट भी और लिक्विडिटी को लेके है। लेटेंट भी मेरे पास 100 पड़े हुए हैं 540 के रेट और 540 100 शेयर, और इजी माई ट्रेड मेरे पास है 608 पे 100 शेयर। 608 पे? हाँ 608 पे 100 शेयर। ओके चलिए, तो लेटेंट भी तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी और काफ़ी लोग इसको पसंद भी करते हैं, तो मेरे ख्याल से वहाँ तो आपका पैसा रिकवर हो जाना चाहिए। लेकिन इस ट्रिप इज माई ट्रिप 608, केलकर जी बताइए लेटेंट व्यू और इज माई ट्रिप। लेटेंट व्यू 540 पे इन्होंने लिया था, इज माई ट्रिप 608 पे क्या करना चाहिए? ओके पहले मैं लेटेंट व्यू पे बात करना चाहूंगा। लेटेंट व्यू का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हो रहा है 500 के करीब। जिस दिन ये लिस्ट हुआ था उस दिन का लो के नजदीक हम आ चुके हैं, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह होगी। यहाँ से बाउंस बैक मिल सकता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल नीचे की तरफ जो मुझे यहाँ पे चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो 465 का है। 465 के नीचे अगर मैं दूसरा सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करता हूं तो वो उससे भी नीचे है। सो 465-460 ये अहम लेवल होगा। अगर ये स्टॉक 460 के नीचे फिसलता है तो देयर इज नो सपोर्ट फर्दर, कोई भी सपोर्ट नहीं है, तेज गिरावट आ सकती है। तो एक बाउंस बैक के लिए हमें रुकना चाहिए, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रुकना चाहिए। 460 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगा के लेटेंट व्यू होल्ड करने की सलाह होगी। दूसरा था उन्होंने बोला इज माय ट्रिप। So, इसमें जो चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मैं मानता हूँ डेफिनेटली ये हायर टॉप हायर बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, होल्ड करने की सलाह होगी। 625 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक निकलेगा मैं मानता हूँ वापस एक बार 675 और 700 के लक्ष्य को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस 550 का क्लोजिंग बेसिस पर लगा के होल्ड करने की सलाह है। तो ये है लेटेंट व्यू और इज माय ट्रिप पे केलकर जी की सलाह। केलकर जी अब बताइए आपके कौन से स्टॉक से, आपके कौन से पिक्स है, कहाँ पे आपकी नजर है? स्वागत है आपका इस शो में। बताइए कौन से स्टॉक पे आपका सवाल है। सर मेरा लेटेंट भी और लिक्विडिटी को लेके है। लेटेंट भी मेरे पास 100 पड़े हुए हैं 540 के रेट और 540 100 है और इजी